माय नेम इज़ अमित कुमार दुबे और गिटार बजाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि बचपन से म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद था और जब मैं कोई भी म्यूज़िक सुनता था तो गिटार की टोन को मैं फील करता था कि ये गिटार की टोन है। किसी भी गाने में मैं गिटार की टोन को बता देता था, बट मेरे लिए ये बहुत टफ था क्योंकि मैंने एक आध बार खुद से कोशिश की, नेट के थ्रू कोशिश की, बट मैं कभी बजा नहीं पाया, कभी समझ नहीं पाया। तो मैंने ऐसे ही नेट पे एक दिन सर्च मारा गिटार क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन गिटार क्लासेस के बारे में, तो वहाँ पे गिटार मोड का ऐड आ रहा था। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैं बिल्कुल बिगनर था गिटार में, मुझे गिटार पकड़ना भी नहीं आता था, मुझे फिंगर्स नहीं पता थे कैसे रखते हैं। बट जब से मैंने गिटार मोड ज्वाइन किया और स्टार्ट किया गिटार मोड से, क्लासेस लेना शुरू किया, टीचर्स की गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 जो टीचर्स हैं यहाँ पे, वो आते हैं सिखाते हैं। पर इंडिविजुअल पर्सन्स पे उनका फोकस होता है, फिंगर्स पे फोकस होता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसके थ्रू आप एटलीस्ट गिटार्स के बारे में पूरा समझ जाएंगे, गिटार की ट्यून समझ जाएंगे, गिटार्स किस तरह से बजाते हैं, गाने को मिक्सिंग कैसे करते हैं गिटार में, उस तरह के समझ जाएंगे। गिटार मोंक की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, इनके वीडियोज़ के थ्रू आप सीख सकते हैं। तो मेरी जर्नी अभी जो 5-6 महीने की जो भी जर्नी रही है, ये बहुत ही खूबसूरत रही है। आज मैं गिटार बजा ले रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बजा ले रहा हूँ गिटार की। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ें बजा लेता हूँ। एक खुद को बजा के मुझे अच्छा फील होता है कि मैं एटलीस्ट किसी गाने को सुन को समझ पाता हूँ और निकालने की कोशिश करता हूँ। 1-2-4 लाइनें मैं बजा भी लेता हूँ, बेस गिटार्स के रागास मुझे समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक जर्नी टिल 6 मंथ। आगे का आई होप सो और बढ़िया जाएगा मेरा, और मैं जब एक बार ये पूरा कोर्स करके निकलूँगा तो मैं किसी भी गाने को सुन के उसकी म्यूज़िक बना सकता हूँ, गिटार पर उसको ट्यून कर सकता हूँ, बजा सकता हूँ। तो दैट इज़ द वेरी फैंटास्टिक फॉर मी, और मेरा एक तरह से ड्रीम पूरा हो रहा है। थैंक्स।